This conference will now be recorded. हेलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हाँ ओके ग्रेट। अच्छा जी, चलो फिर आज कंटिन्यू करते हैं इसको। मैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हम बात कर रहे थे ना। लेट मी जस्ट गिव अ क्विक रीकैप। एक्चुअली यस्टरडे देयर वाज अ बिट डिस्ट्रैक्शन, तो मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, देर आर टू मेन स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स आप ऑलरेडी चूंकि पढ़ के आ भी चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी टेकन अ कोर्स ऑन इट अर्लियर, तो इसके अंदर आपके लिए मेरा नहीं ख्याल के कोई बहुत इशू होगा, डिफिकल्ट होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। एंड दैट इज अगेन सम रेपिटिशन इन द कॉन्टेंट्स। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट भी हो रही हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं मैक्रो के, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें जीडीपी है, जिसमें इन्फ्लेशन है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स हैं, वी हैव एक्सचेंज रेट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब पोटेंशियली देखा जाए तो आपकी किताब का सबसे लेंथी चैप्टर है, अपना सबसे लेंथी पार्ट है। चैप्टर तो है ही है, द लेंथीएस्ट पार्ट is your macro economic factors. It begins with the economic policy. You can see it spans from page number 39 and micro economics tak jate jate, like it takes 50 or almost 11 pages pe ek topic hai ye, aap dekh sakte hain. Aur abhi tak isme se examination mein koi topic cover nahi hua so far, so that's an interesting thing. Theek hai, to is pe aaj hum debate karenge thodi si. और लेट अदर्स जॉइन इन द मीन टाइम। और इसके बाद हम बेसिकली आज के एजेंडा में तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन को, और देन वील टॉक अबाउट the inflation and national economy, इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है। तो बेसिकली आज के जो हमारी डिबेट के तीन एरियाज हैं, एक तो हमने कल भी डिस्कस करना शुरू कर दिया था, विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट, हाउ टू मेजर द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर के हवाले से, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी हैव फ्यू मिनट्स, यू मे आस्क। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स का कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, अगर आपके जहन में कोई फर्स्ट चैप्टर से रेलेवेंट कोई क्वेरी है तो यू कैन राइटली पुट। इफ यू बिलीव के यू माइट नॉट बी एबल टू कन्वे योर मैसेज इन राइटिंग और टेक्स्ट मैसेज, यू मे आस्क। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा, तो यू कैन पुट योर क्वेरी इन वर्ड्स, ताकि दूसरे भी फिर आपकी बात सुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वी हैव लाइक अराउंड 4-5 मिनट्स, हम उसमें आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। And then we will be discussing the overall economic activity of organizations, of the aggregate economy that affect organizations. Do you have any question? आपकी बुक के जो पहले तीन चैप्टर्स हैं ना, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और ये पहले तीन चैप्टर्स बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सब्जेक्ट में सक्सेस की तरफ। तो एटलीस्ट पहले तीन चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हुए यू शुड बी वेरी मच कंसिडरेट एंड केयरफुल दैट हाउ आर यू गोइंग टू टेक दीज थिंग्स अलोंग। अदरवाइज हाँ, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। देखिए, अब ओइंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर इदारों ने एक बाकायदा
रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इंड्यूस किया होता है अपने इदारों में, जिनका काम ही होता है इसमें। बकायदा एक रिस्क मैनेजर हायर करते हैं वो, और उस रिस्क मैनेजर की ड्यूटी ये होती है कि उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्वेश्चन में आपका रिपीट कर दूं, क्वेश्चन किया है जी एहसान ने कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के अंदर रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है। असेसमेंट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि रिस्क को असेस करती हैं, सो दैट दे कैन इवैल्यूएट एंड दे कैन आइडेंटिफाई दैट द डिग्री ऑफ रिस्क दे आर एक्सपोज टू एंड हाउ दैट रिस्क कैन बी मैनेज्ड। उनका रिस्क एक्सपोजर कितना है और एक्सपोजर टू रिस्क वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट, दैट इज नोन एज असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक। और ये फॉर्मल प्रोसेस इसलिए होता है कि इसके लिए आपने बाकायदा लोग हायर किए होते हैं, और वो लोग जो हैं वो फिर ये काम सारा आपके लिए देखते हैं। रिस्क मैनेजर्स आर द प्राइम पीपल जो आपने हायर किए होते हैं। अब तो रिस्क वैसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब तो रिस्क एक वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिस्क के बगैर इदारे अब ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब तो रिस्क को मैनेज किए बगैर, ऑब्वियसली रिस्क तो हमेशा से होता है, बट विदाउट मैनेजिंग रिस्क, विदाउट टैकलिंग रिस्क, रादर हैंडलिंग रिस्क, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। क्वेरी आंसर हो गई आपकी? ओके, ग्रेट। ओके जी, कल हमने बात की थी मैक्रो और माइक्रो पे। लेट्स क्विकली हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, एज वी डिस्कस्ड कि मैक्रो इकोनॉमी इज द एग्रीगेट इकोनॉमी, इज द इकोनॉमी ऑफ द होल कंट्री, पूरे मुल्क की इकोनॉमी होती है, और इसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करते हैं, आप इन्फ्लेशन को एड्रेस करते हैं, आप इंटरेस्ट रेट्स को एड्रेस करते हैं। अल्टीमेट मैक्रो इकोनॉमी का जो प्राइम पर्पस होता है, दैट इज टू इंक्रीज नेशनल इनकम। किसी भी मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमी होती है उसका अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि किसी तरह नेशनल इनकम को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ती है। जब आपकी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होती है। दैट्स अ वेरी सिंपल, मतलब अगेन ये डिफरेंट कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ कह लें, नेशनल इनकम कह लें, सी वी हैव डिफरेंट कीवर्ड्स फॉर दैट। सो जब आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगी, जब आपकी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे आएगा। यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, यू विल बी यू नो मोर इन्फ्लुएंशियल इन योर इकोनॉमिक मैयर्स। इसके बरक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द इकोनॉमिक चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल एंड फर्म्स। रिसोर्स स्कार्स होते हैं और स्कार्स रिसोर्स को अप्रोप्रिएटली मैनेज करना, स्कार्स रिसोर्स को एलोकेट करना, ये आपके लिए फिर एक रोल प्ले करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने लेवल पे, और ये बड़ा इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाले चेंजेस अल्टीमेटली आपकी माइक्रो इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इदारों की अफेक्ट होंगी, उससे इदारों की सप्लाई कम हो सकती है। इसी तो कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आने वाला चेंज अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी का, यहाँ से मैक्रो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब आपका मैक्रो स्टार्ट हो रहा है। तो मैक्रो को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हमने देखना होता है कि व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एम ऑफ अ कंट्री। बात याद रखिएगा, एक एम होता है गवर्नमेंट का, और वो एम ये होता है फुल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जाए। फुल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव होती है? बाय अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, बाय स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड बाय सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तीन पिलर्स होते हैं, रिमेंबर दैट, इकोनॉमिक ग्रोथ के। वैसे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट है, लेकिन वो वन वे और द अदर इन्हीं फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली प्राइसेस अफेक्ट होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो प्राइसेस अफेक्ट होंगी, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये पिलर्स हैं बेसिकली, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स इनमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस, सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये वो पिलर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी जो इकोनॉमी है वो खड़ी होती है। और किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का जो प्राइम रोल होता है, प्राइम कंसर्न होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी को सस्टेन किया जाए टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि जब नेशनल इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। सॉरी, सो व्हेन नेशनल इकोनॉमी ग्रोज इट विल अफेक्ट बिजनेसेस एंड इट विल अफेक्ट इंडिविजुअल्स। हाउ टू मेजर नेशनल एक्टिविटी?
नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी रादर। इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जीडीपी है, जीएनपी है। बेसिकली ये भी हमने कल भी डिस्कस किया था, हम जस्ट गिविंग अ रिकॉल कि कल ये चीजें थोड़ी सी जल्दी हमने स्किम की थी। एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है, इनकम अप्रोच होती है और आउटपुट अप्रोच होती है। द मोस्ट कॉमन वन बीइंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। इसमें आप टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग को मेजर करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसमें आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को निकालते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन वन, एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है सबसे कॉमन है। इनकम अप्रोच एक डायमेंशन को मेजर करती है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं या सर्वाइव करते हैं उन्होंने कितना अर्न किया इकोनॉमी में। और आउटपुट अप्रोच डील्स विद द आउटपुट प्रोडक्शन एंड सब प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी अब एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें बैंकिंग है फॉर एग्जाम्पल, अदर सर्विसेज हैं। ऑब्वियसली हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट स्टिल एटलीस्ट एक्सपेंडिचर अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। ये भी हमने कल बात की थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपकी वो बेस करती है कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। और ये इक्वेशन जो है ये जीडीपी कहलाती है, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क होता है बाय द वे? जीडीपी में और जीएनपी में क्या फर्क होता है? एनीवन? ये डिफरेंस पड़ा है ना आपने जीडीपी और जीएनपी का, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? वेरी गुड। हाँ, जब आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी अपनी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं तो वो जीएनपी बन जाता है। बिल्कुल सही, गुड। ओके, किसी भी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स क्या होते हैं? What are the aims of economic policy? Again, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, economic policy aim एक ही होता है, and that is to increase economic wealth, and that is something to achieve full employment. So अगर आपकी economy grow कर रही है तो full employment आप achieve करने के काबिल होंगे, wealth बढ़ेगी, आपकी country की wealth बढ़ेगी। और government economic policy जो है वो that is to increase the aggregate demand, क्योंकि जब demand बढ़ेगी ultimately aggregate demand बढ़ेगी तो that would lead industries to produce. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑलरेडी, तो ये आपका पूरा वो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हमने ऊपर एक इक्वेशन देखी है, दैट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। क्योंकि आप देखें, आप किसी एक पिलर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पिलर पे आ जाता है। एज सून एज यू ट्राई टू इंक्रीज द कंजम्पशन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसका जो इम्पैक्ट है दैट विल बी डायरेक्टली ऑन योर इम्पोर्ट्स। ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी इम्पोर्ट्स पे आएगा। अगर आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दैट विल बी अफेक्टिंग योर इम्पोर्ट्स, अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ाने की कोशिश करती है इकोनॉमिक पॉलिसी को बेहतर करने के लिए, तो उसका अल्टीमेट फिर इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली आपके टैक्सेशन पे पड़ेगा, टैक्स पे पड़ेगा तो कंजम्पशन गिर जाएगी। तो ये ट्रेड ऑफ होते हैं ना, ऑल दीज फैक्टर्स ऑपरेट इन अ ट्रेड ऑफ। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑफ में रोल प्ले करता है वो आपकी इन्फ्लेशन करती है। ये कनेक्शन जो है ना इनकम ग्रोथ और इन्फ्लेशन का, ये हम बाद में एस्टेब्लिश करते हैं, पहले हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होती है। सो दिस लिंक विल बी डिटरमिंड आफ्टरवर्ड्स। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, लिंक बिटवीन इनकम एंड ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इस पर हम बाद में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, प्राइस स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स, ये भी आपस में इंटरचेंज है ऑब्वियसली। प्राइस स्टेबल रहेगी तो एक्सचेंज रेट स्टेबल होंगे और वाइस वर्सा भी होता है। जब आपके एक्सचेंज रेट स्टेबल होंगे तो ही आपकी जो प्राइस है वो भी सस्टेन करेंगी। सो दीज फैक्टर्स वर्क इन अ वाइस वर्सा फिनोमेना। ठीक है ना, और दीज आर द यू नो मेन थिंग्स। हाँ, अब इन्फ्लेशन जो है वो कैसे अफेक्ट करती है प्राइस हाइक्स को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट का। तो अगेन, ये पूरा सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है इकोनॉमिक्स का, बट इन बिजनेस यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर बिजनेस डिसीजन। तो हमने बेसिकली बिजनेस के डिसीजन को यहाँ पे डिस्कस करना है रादर देन टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक्स पे आप पूरा कोर्स ले चुके हैं, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। पहले इन्फ्लेशन को डिस्कस करके फिर आप इसको डिस्कस करेंगे, लिंक बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
इन्फ्लेशन की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी आपको? दैट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम. इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एज इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम. तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं, डिफरेंट हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल प्राइस इंडिसेस हैं, कॉस्ट इंडिसेस हैं, डिफरेंट इंडिसेस हम यूज करते हैं. तो ये इंडिसेस जो हैं ये आपको बताते हैं कि प्राइस कितनी बढ़ रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है. बिजनेसेस आर डेफिनेटली अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन. इसे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. और एक दफा किसी एक पॉइंट से इन्फ्लेशन स्टार्ट अगर हो गई तो वो पूरा स्पाइरल जो है वो फिर इन्फिनिटली चल पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर आर राइज इन, हाँ वेट स्पाइरल भी कहते हैं, बिल्कुल वेट स्पाइरल भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रॉ मटेरियल इज गेटिंग एक्सपेंसिव, यू हैव टू पे मोर फॉर रिसोर्सेज सच एज लेबर एंड मटेरियल. फिर ये जो इंक्रीज कॉस्ट है ये आप एक्स्ट्रा कॉस्ट की शक्ल में कस्टमर को पास करेंगे. प्राइसेस बढ़ेंगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, या कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगी. चलें कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करें, जब कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगी तो इंडिविजुअल हैव टू पे हायर प्राइसेस, सो दे विल नीड मोर मनी टू पे. तो लेबर विल डिमांड हायर वेजेस. एग्जैक्टली, जब लेबर हायर वेज डिमांड करेगी तो फिर दोबारा से ये साइकिल पूरा हो जाएगा, फिर आपके रिसोर्सेज और महंगे हो जाएंगे क्योंकि लेबर भी तो एक रिसोर्स है ना. इस फिनोमेना को कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल. ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो है फिर गवर्नमेंट तोड़ती है. कैसे तोड़ती है? बाय इंजेक्टिंग द मनी इन द इकोनॉमी, बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बाय इंटरवीनिंग. ठीक है, अगर आप मार्केट के मिजाज पे छोड़ देंगे ना इस फिनोमेना को, तो ये कभी खत्म नहीं होगा स्पाइरल. दिस विल गो इन्फिनिट, विल गो इन इन्फिनिट लूप्स. ये इन्फिनिटली मूव करता रहेगा. जैसे तो यू कैन नेवर लीव इट ऑन द यू नो द वे द मार्केट मूव्स. ठीक है, सो इन्फ्लेशनरी स्पायरल जो है दैट कैन गो इनडेफिनेटली. यू नो मटेरियल्स और वेजेस जो है दे आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग अप प्राइसेस ऑफ फिनिश गुड्स व्हिच इन टर्न लीड टू हायर वेजेस एंड मटेरियल कॉस्ट. यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट और जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल को एक चीज और जो पुश करती है उसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस. इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि अभी एक्चुअली इन्फ्लेशन आई नहीं है, अभी महंगाई हुई नहीं है, बट यू हैव एंटिसिपेटेड के द प्राइसेस में गो अप. इंडिविजुअल्स माइट एक्सपेक्ट के आने वाले कल में एकदम प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो आज से ही हायर वेज डिमांड करना शुरू कर देंगे. सी, तो ये ऑटोमेटिकली से कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन. और नॉर्मली इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसी इकोनॉमी में पाई जाती है जहाँ पे इन्फ्लेशन बड़ी अनसर्टन रही हो, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है दैट इज हाईली अनसर्टन. क्योंकि अनसर्टेनिटी के अंदर लेबर जो है वो फिर एक्सपेक्ट करेगी कि ओके फाइन इन फ्यूचर द प्राइसेस मे गो अप, तो वो अभी से फिर ज्यादा वेजेस डिमांड करना शुरू कर देगी, वो अभी से फिर ज्यादा इनकम जो है वो डिमांड करना शुरू कर देगी. तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जो होती है ये आपके फिर वेज राइजेस को अफेक्ट करती है. नाउ लेट्स कनेक्ट द टू, अब रहा दोनों को कनेक्ट करते हैं. नाउ बीइंग अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अब आप इन दोनों को कनेक्ट करने के काबिल हैं. नाउ कम बैक हेयर. अब नेशनल इनकम ग्रोथ का क्या ताल्लुक है इन्फ्लेशन के साथ? यहाँ पे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रोथ है वो दो किस्म की होती है, एक होती है नॉमिनल ग्रोथ और एक होती है रियल ग्रोथ. ये कॉन्सेप्ट याद है आपको? शी रिमेम्बर दैट नॉमिनल ग्रोथ होती है और रियल ग्रोथ होती है. रियल ग्रोथ जो होती है वो एडजस्टेड होती है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट. नॉमिनल ग्रोथ जो होती है वो एक्चुअल ग्रोथ होती है इकोनॉमी के अंदर विदाउट बीइंग एडजस्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क के अंदर जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है बाय 10%, लेकिन उसके अगेंस्ट जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है 5%. तो इट मीन्स कि नॉमिनल ग्रोथ जो है दैट इज 10%, बट रियल ग्रोथ इज एक्चुअली 5%. द रेस्ट ऑफ द 5% इज इन्फ्लेशन. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आप सबको? ये डिफरेंस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी वो डिपेंडेंट होती है इन्फ्लेशन के ऊपर. इसे ये पढ़ें जरा, जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. व्हेन यू इंक्रीज द टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी एंड दैट स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग एट फास्टर रेट देन द इकोनॉमी कैन ग्रो इन रियल टर्म्स, तो अल्टीमेट रिजल्ट वुड बी प्राइस इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल टोटल इकोनॉमी ग्रो की आपकी 8%, ठीक है, बट द रियल इकोनॉमी
which is the actual output of goods and services, that has only grown by 2%. So the difference is 6% ka, ye inflation. And you can other way around put kar sakte hain, ke actual growth economy mein 8% hai, jise nominal growth kehte hain. 6% isme inflation hai, to real growth is only 2%. So this is a important concern. Hota. This concern further leads to then depreciation of your currency exchange rate. This jo concern hai, phir ye aage further aapki currency ko bhi affect karta hai, aapki exchange rate ko bhi affect karta hai, aapki currency ko basically ye depreciate kar deta hai. Is this point clear? Ye link create karna bada important hai. Because you have to measure the economy in real term, not nominal terms. And the growth in the economy must be exactly wo baad mein aayega. Abhi aap sirf cheezon ko parts and parcels mein rakhein. वैसे तो ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स हैं ये सारे के सारे इंटरवोवन हैं आपस में, सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपस में. अब चलें, अगर आपने डिस्कस करी थी इंटरेस्ट रेट्स को, तो ये कैसे काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं. अब देखें, एक मुल्क के अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है. तो अब जो स्टेट बैंक है वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. एकदम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोग बोरो करना कम कर देंगे, लोग बोरोइंग कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी. जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो पीपल विल सेव मोर एंड कंज्यूम लेस. इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. जाके जाके अभी आएगा टॉपिक शायद आगे अगले पेज पे. इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. तो ये बड़े इंटरवोवन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं. आप इन चीजों को समझते आइसोलेशन में हैं, अलग अलग. इन्फ्लेशन को अलग समझा आपने, लेट्स अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने सेपरेटली समझा, बट वेन You are at decision making level, तो फिर ये तमाम चीजें आके interconnect करती हैं एक दूसरे के साथ, और आपको decision भी फिर इनको interconnect करके ही लेने होते हैं. तो ये जो interwoven elements हैं, they play a very pivotal role towards business growth and business development. Got it? ये clear हो गया ना? Great. तो ये inflation की बात हो गई. ओके, अब ये देखें, हाई इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस फॉर नेशनल इकोनॉमी, जो भी हमने एग्जांपल ऊपर भी लिए, ये वही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा दे रहा है, रियल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ. अभी देखें, वो कह रहा है कि इट इज पॉसिबल कि आपकी जो मेजर नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम लेट्स से 3 to 5%, लेकिन उसके अगेंस्ट जो इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा बढ़ी है. तो एक्चुअली आपकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली गई है, 2% कम हो गई है. या ये भी बहुत देखें, पिछले साल के नस्बत इस साल आपकी जो नेशनल इनकम है वो सस्टेन की है, बट ऑन द अदर हैंड 3% इन्फ्लेशन पिछले साल थी, जो कि इस साल 5 साल अपना 5% हो गई है. तो इनफैक्ट यू हैव नॉट सस्टेन्ड योर इकोनॉमी, योर इकोनॉमी हैज गॉन इनटू रिसेशन, डिक्लाइनिंग में चली गई है. जब इन्फ्लेशन, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होता है तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं, एंड रियल इकोनॉमी इज लाइकली टू गो इनटू रिसेशन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन पाकिस्तान में है कि इन्फ्लेशन इज गेटिंग हायर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो रियल इकोनॉमी है दैट इज एक्चुअली गोइंग इनटू रिसेशन, दैट इज नॉट sustaining, that is declining. Sustain नहीं कर रही, declining कर रही. So organizations need to understand कि जिस मुल्क में वो अपना business लेके जा रहे हैं वो किस तरह से वहां की economy के अंदर अपने आप को gel in करेंगे, and how are they going to actually move about, और उसके अंदर उनका रोल क्या होगा इकोनॉमी के अंदर. तो जब भी आप अपना बिजनेस किसी मुल्क में लेके जाते हैं तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी अंडरस्टैंड, यू नो, मतलब ये बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आपको वहाँ की इकोनॉमी के बारे में सब पता होना चाहिए. ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर व्हेन यू इंसर्ट द मनी तो दैट लीड्स टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी. ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन सो फार? वी हैव अ फ्यू न्यू मेंबर्स इन द क्लास, कुछ नाम तो पुराने हैं। जेब इज न्यू हियर, ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे नाम मुझे, मनाहिल, अंजुम, मनाहिल आइडिया, आप भी पहले से आ रही हैं क्लास में, यू आर नॉट न्यू इन द क्लास। बाकी सारे नाम पुराने ही तो नाम मुझे लग रहे थे। जेब इज डेफिनेटली न्यू टू द क्लास, आई एम नॉट श्योर अबाउट मनाहिल। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ इट ऑल ऑपरेट्स। अच्छा, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिटरमिन करती है सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस को, दैट डिटरमिन्स द सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये भी इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी उतनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन डिसबैलेंस्ड होगी। द रिच विल बी रिचर, द पुअर विल बी पुअरेस्ट। अमीर अमीर से अमीर हो जाएगा, गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर हो जाएगा। और ये भी एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं वो विक्टिम होती हैं इसका। पाकिस्तान इसकी अच्छी एग्जाम्पल है। आप देखें अपने अपने घरों में से जब निकलते हैं तो एक ही सड़क पे आप देखते हैं मर्सिडीज भी जा रही है, BMW, ऑडी भी जा रही है, और उसी सड़क पे एक बेचारा साइकिल वाला, फेरी वाला, फल फ्रूट भी बेच रहा होता है। सो दैट इज हाउ इट लिंक्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वेल्थ इज नॉट फेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत गरीब है, अमीर है ऑब्वियसली। ये कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, इसकी इसको समझने के लिए ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगेन द इकोनॉमीज वेयर वेल्थ इज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड आर ऑलवेज गुड इकोनॉमीज टू इन्वेस्ट इन, और द इकोनॉमीज वेयर द वेल्थ इज नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड वो इकोनॉमीज मैस इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होती। हाँ ठीक है, वहां पे आप अपने अपने टारगेट्स मार्केट को डिफाइन करके आप वहां पे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर मैसेस, वो मैसेस के लिए नहीं होती। ये पढ़े एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन में, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेट्स जो होते हैं सच एज बैंक लोन जो है उनकी रियल वैल्यू गिर जाती है ओवर टाइम, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बोरोड लेट्स से 5 लाख टुडे, सो ओवर टाइम उस 5 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी, गिरती जाएगी। सो बोरोवर्स जो है वो फिर उस फॉलिंग वैल्यू से फायदा उठाते हैं। एट द सेम टाइम लेंडर्स एंड सेवर्स जो है दे लूज बिकॉज द वैल्यू ऑफ देयर लोन और द सेविंग फॉल्स। हाँ ये तो बड़ा यूनिवर्सल सा प्रिंसिपल है, एग्जैक्टली और इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर एक कमेंट मैं और ऐड करूं बेटा, कि अगर आप इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली सब में कर भी दें ना, तो विद इन अ ईयर ये घूम फिर के फिर उस 1% के पास आ जाएगी। आप इस पूरी वेल्थ को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर भी दें ना फेयरली पूरी दुनिया में, तो विद इन 1 ईयर ये सारी वेल्थ जो है घूम फिर के फिर उसी 1% के पास पहुंच जाएगी, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, वन ऑफ द रीजन, एग्जैक्टली वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन, यस वन ऑफ द रीजन। कैपिटलिज्म तो एक नासूर है इकोनॉमी के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस वक्त दुनिया की जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं मेजॉरिटी इस पर, चाइना को निकाल के द लीडिंग इकोनॉमीज आर एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। हाँ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। और देखें यू हैव बोरोड 5 लाख फ्रॉम बैंक टूडे, और आपकी जो इन्फ्लेशनरी रेट्स इतने ज्यादा हैं कि दैट 5 लाख इज नॉट एक्चुअली 5 लाख आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो जो रियल वैल्यू है वो फॉल हो चुकी है ना, एग्जैक्टली डी वैल्यू हो रही है ना आपकी इकोनॉमी, तो रियल वैल्यू इज फॉलिंग। जब आपकी रियल वैल्यू फॉल होती है तो बोरोवर्स को फायदा होता है, लेंडर्स को नुकसान होता है, लेंडर्स लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल An individual with cash saving might earn 3% after tax when the inflation is 5%. If so, he is losing 2% in real terms each year. Very simple. Is my voice not clear? Meri awaaz kam hai? Awaaz aa rahi hai meri sabko? Okay. So, main ye arz kar raha hoon. देखे ना इस लियाकत आपकी बात का जवाब इसी में लिखा हुआ है बेटा,
नवीद देन ट्राई टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर आउटपुट ना, अपने आप स्पीकर की वॉल्यूम को इंक्रीज करके देखें। माइक का वॉल्यूम नहीं होता बेटा, स्पीकर का वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो आई कांट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ माय माइक, यू कुड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर आउटपुट डिवाइस स्पीकर, ठीक है? ये अपने डेस्कटॉप पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम का एक निशान बना रहा है, इसको देखें 100% पे, यहाँ चेक करें। हो गया जी क्लियर आपको ये वाला पॉइंट ना? इसी तरह एक और देखें इफेक्ट, ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि इन्फ्लेशन जो है ये रियल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड को अफेक्ट करता है, उसे कम कर देता है। कैसे? द रिच माइट गेट रिचर एंड द पुअर माइट गेट पुअर, ठीक है? जो जो अमीर होता है वो अमीर से अमीर तर हो जाता है, जो बेचारा गरीब होता है वो गरीब से गरीब तर हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कि इन्फ्लेशन जो है ये बेसिकली आपके इकोनॉमी के अंदर इस तरह से भी सेवा, मतलब वो स्ट्राइक करती है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, दैट बिकम्स बाइपोलर, दैट बिकम्स बाइपोलर। द रिच विल गेट रिचर एंड द पुअर विल गेट पुअर, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इंटरेस्ट रेट से भी आगे जाके बात करेंगे, अभी हम इंटरेस्ट रेट से आए नहीं है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक कनेक्ट कर रहा है ना वन वे और अदर इंटरेस्ट रेट के साथ, अभी इंटरेस्ट रेट आएगा आगे पूरा, ये अनएम्प्लॉयमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट्स पे, यू कैन सी हेयर वेयर इट इज, ये इंटरेस्ट रेट्स पे भी एक पूरा टॉपिक आएगा, जस्ट वेट फॉर इंटरेस्ट रेट, इस पे कल परसों बात करेंगे हम। ओके सो ये थे जी दो, इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? और थर्ड डिटर्मिनेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। हाउसहोल्ड से क्या मुराद है? जहां पे लोग रहते हैं, ये जो आपकी पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, ये हाउसहोल्ड है ना आपका, द बाइंग पावर ऑफ द पीपल, ये हाउसहोल्ड है आपका। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रियल वैल्यू ऑफ हाउसहोल्ड कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? एक बंदे की सैलरी पहले 10,000 थी पिछले साल, तो पेट्रोल की प्राइसेस थी 50 रुपीज पर लीटर, सैलरी इस साल भी 10,000 है लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस 90 पे जा चुकी हैं, तो रियल वैल्यू हाउस होल्ड की कम हो गई ना, ठीक? अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे भी आप लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में डिस्कशन थोड़ी कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं व्हेन देयर इज अनविलिंगली पीपल और वर्क फोर्स आउट ऑफ वर्क, तो व्हेन पीपल हु आर अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक ये वर्क फोर्स एबल पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा वर्क फोर्स के अगेंस्ट मेजर की जाती है, पॉपुलेशन के अगेंस्ट मेजर नहीं की जाती, ठीक है ना? और वर्क फोर्स में आपके एबल पीपल आर काउंटेड, इसमें आप बच्चों को काउंट नहीं करते, इसमें आप बूढ़ों को काउंट नहीं करते, तो वर्क फोर्स इज कंप्राइज ऑफ दोज पीपल हु आर एक्चुअली, हाँ लेबर फोर्स जिसे कहते हैं, हु आर एबल टू वर्क। और फिर उस वर्क फोर्स का जो पॉपुलेशन या जो जो पोर्शन उस वर्क फोर्स का जो अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क होगा, दैट वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशंस जब डिमांड्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज गिर रही होती है तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ जाते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली ये दो बड़े मजे के पॉइंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स भी अनवेलकम्ड होती है एक इकोनॉमी के अंदर, और हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी अनवेलकम्ड होती है इकोनॉमी के अंदर। चलो ये बात तो समझ आती है कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनवेलकम्ड है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, लोगों की अर्निंग कम हो जाएंगी, अर्निंग कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो ओवरऑल डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज कम प्रोड्यूस करेंगी, अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमिक मूवमेंट है वो उससे अफेक्ट होगी, ठीक है ना? सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी अनवेलकम्ड होते हैं, ये भी अनवेलकम्ड होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए अगर एक कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है, नाउ व्हाट हैपेंस? अब इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस है, प्रोडक्शन का काम है, लेकिन लोग ही नहीं है काम करने के लिए, फिर क्या होगा? पीपल माइट डिमांड हाई वेजेस, स्किल्ड लेबर फोर्स की शॉर्टेज हो जाएगी,
अनयूटिलाइज रिसोर्सेज रहेंगे आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर की वजह से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन इनवाइट करनी पड़ेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो अनवेलकम्ड है। वेरी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी गलत है, वेरी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी गलत है। अच्छी इकोनॉमीज जो है वो बैलेंस रखती हैं थोड़ा सा, अच्छी इकोनॉमीज जो हैं वो बैलेंस रखती हैं। दे ट्राई टू बैलेंस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज स्लाइटली, बट दे नेवर ट्राई टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को कभी अचीव नहीं करती। ये पॉइंट तो एहसान बेटा, ये बात तो समझ आ गई ना कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई का नुकसान क्या होता है? ये तो क्लियर है ना कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी तो अंडरस्टूड सी बात है ना, लोगों की हाउस होल्ड इनकम कम होगी। हाउस होल्ड इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। कंजम्पशन कम होगी मीन्स डिमांड कम है। डिमांड कम है मीन्स इंडस्ट्री भी कम प्रोड्यूस करेगी। ओवर सप्लाई तो नहीं करना ना। जब इंडस्ट्री कम प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसेशन में चली जाएगी। ये तो क्लियर है, दिस पॉइंट इज क्लियर, ये वाला जो पॉइंट, ठीक है। लुक एट दिस पॉइंट, वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या पुटिंग द अदर वे, वेरी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक ही बात है ना। दे आर ऑल्सो अनवेलकम्ड, इसका नुकसान क्या होता है? देखिए इस वक्त दुनिया में कुछ ममालिक जो हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। जापान है लेट से, दैट इज ऑपरेटिंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेशन हो रहे हैं। जब इदारों में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है कंट्रीज के अंदर, तो फिर क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है स्किल्ड लेबर की, और जो एग्जिस्टिंग लेबर होती है दे विल डिमांड हायर वेजेस। फर्म्स विल देन बी स्ट्रगलिंग टू फाइंड सुटेबल पीपल। शॉर्टेज ऑफ लेबर मीन्स द कॉस्ट ऑफ वेजेस विल बी पुश्ड अप। डिमांड सप्लाई है ना, अगर लेबर सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज्यादा है तो अल्टीमेटली वेजेस बढ़ेंगी, ऑब्वियसली बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मुल्क में इन्फ्लेशन आएगी। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो होती होती, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वेरी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अनवेलकम्ड है। इट इज नॉट ऑल्सो वेलकम्ड, मस्ट नॉट हैपन, ठीक है। फिर ये शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर को फिर कंट्रीज कैसे पूरा करने की कोशिश करती है? ये देखिए, एक तो होता है ना नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आइडियली स्पीकिंग हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं ऐसी कंट्री को जहां पे 75-80% लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं हम ऐसी कंट्री को जहां पे उनकी वर्क फोर्स का लेस देन 30-40% जो है वो एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के पास टोटल एबल वर्क फोर्स अगर लेट्स से कोई 4 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, तो उसका 30% या 40%, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ लोग अगर जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं? वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ा दें, ट्रेनिंग जो है इम्प्रूव कर दें, या फिर जॉब्स को ऐसी कंट्रीज में मूव कर दें जहां पे बेहतर सप्लाई है स्किल्ड लेबर की। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूविंग जॉब्स टू सच कंट्रीज वेयर देयर इज अ बेटर सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर। नहीं, स्किल्ड शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर तो बेटा होगी, अब शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर हो जाएगी ना, कि जितनी स्किल्ड लेबर है उतनी शॉर्ट है, इंडस्ट्रीज को लोग चाहिए लेकिन लोग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्किल्ड लेबर तो होगी लेकिन उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फिर आप क्या करते हैं, आप उन कंट्रीज में जॉब्स को मूव कर देते हैं, जैसे चाइना की मिसाल ले लें। हाँ, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली मेक इट डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एग्जैक्टली। आप देखें ना, चाइना में दुनिया की पॉपुलेशन का मोर देन लाइक 25-30% चाइना में है इस वक्त, ठीक है। दुनिया की अगर टोटल आबादी कुछ 7 अरब है, तो उसमें से कुछ 2-2.5 अरब आबादी चाइना की है। आप अगर साउथ एशिया कंसिडर कर लें, फार ईस्ट एशिया भी ले लें थोड़ा सा, तो दुनिया की आबादी का 50% जो है वो साउथ एशिया और फार ईस्ट एशिया में मौजूद है, ठीक है। मोर देन 50%, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना,
बांग्लादेश दुनिया की आबादी का 50% से ज़्यादा इन एरियाज़ में है, तो आप देखें कि 90% दुनिया की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। टेक्सटाइल सारी बांग्लादेश में, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सारी अब चाइना जापान में आ चुकी है, ताइवान सिंगापुर। आप अगर एप्पल आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है ना, असम्बल्ड डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असम्बल इन चाइना, लिखा होता है फ़ोन के पीछे। बल्कि आप देखें सैमसंग के पीछे बहुत सारे मोबाइल फोन जो हैं सबके सब चाइना में असेंबल किए जा रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू टेक एडवांटेज, दैट इज हाउ यू टेक द बेनिफिट। आप बेनिफिट इस तरह से हासिल करते हैं कि आप उसके अंदर फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कैसे आपने अपने जो बिजनेस डिसीजंस हैं उनको आपने मैनेज करना है। ज्यादा क्लियर? ओके, आगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, आई होप दैट्स नॉट अ चैलेंज। ये आपने पहले भी डिस्कस की है ना, टाइप्स सारी, ट्रांजिशनल, सीजनल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई चीज है हमारे पास। एक दफा रिव्यू कर लेते हैं क्विकली इनको, लेट्स नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम टुडे, बाकी कुछ कल कर लेंगे। ट्रांजिशनल कहते हैं जब एक इंडिविजुअल ने एक जॉब छोड़ी है, अगली जॉब कन्फर्म्ड है और एक टाइम लैग आ रहा है बीच में। फॉर एग्जाम्पल, यू क्विट अ जॉब टुडे, टुडे इज 15th 16th of October एंड यू हैव टू ज्वाइन द न्यू कंपनी ऑन 1st of November। तो ये 14 दिन जो आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे दैट इज ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रांजिशनल में और फ्रिक्शनल में यही फर्क होता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर टाइम डिफाइन नहीं होता कि व्हेन द पर्सन इज गोइंग टू ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉई ने जॉब छोड़ दिया, उसको डिसमिस कर दिया गया जॉब से या उसको रिडंडेंट कर दिया गया जॉब से। ये वर्ड भी हमने पहले पढ़ा था रिडंडेंसी का, बिकॉज या उनको जॉब पसंद नहीं आई, तो इट माइट टेक देम अ लिटिल टाइम टू फाइंड अ न्यू जॉब। दिस लिटिल टाइम इज नॉट डिफाइंड, इट कैन बी अ डे, इट कैन बी अ वीक, इट कैन बी अ मंथ। इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल के अंदर और ट्रांजिशनल में यही फर्क होता है कि ट्रांजिशनल में टाइम डिफाइंड है, फ्रिक्शनल में टाइम डिफाइंड नहीं है। ट्रांजिशनल में और फ्रिक्शनल में तो की डिफरेंसेस कि ट्रांजिशन में आज आपने जॉब क्विट की है तो 2 हफ्ते बाद आपने कहीं ज्वाइनिंग देनी है, तो टाइम लिमिट जो है वो डिफाइंड है, जबकि फ्रिक्शनल में टाइम डिफाइंड नहीं होता। ये मेन फर्क है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जब एक इंडस्ट्री रिसेशन से गुजरती है और या इंडस्ट्री कलेप्स कर जाती है या एक इंडस्ट्री डिक्लाइन में चली जाती है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट अनएम्प्लॉयड। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे माइनिंग की एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो भाई साहब इससे रिसेशन में जा रही है। माइनिंग से उन्होंने अब बेहतर वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो नाउ ये दे आर यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी टू माइन द लैंड। पहले लेबर इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना, यानी जब एक पूरी इंडस्ट्री कहीं कलेप्स कर जाती है, एक इंडस्ट्री जब पूरी की पूरी कलेप्स कर जाती है, तो वहां पे फिर आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली, और फिर स्किल जो होते हैं कि इंडस्ट्री के, शायद वो किसी और इंडस्ट्री में सूट ना करें। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक इंडस्ट्री के जो स्किल सेट हैं वो किसी और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल ना हो सकते हैं, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज नोन एज द फाइंडिंग जॉब्स बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स will have training and skill in some specific domain. So there might be a demand for labor in other industries, but that demand might not be suitable for the unemployed people. So it means that wrong people will be available for the wrong type of work. ठीक है ना, तो वो फिर suit नहीं करेगा वो उसके साथ ना, that will not suit. Got it?
यहां तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सो फार? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी के आने की वजह से डिमांड फॉर मैनुअल लेबर कम हो जाती है. पहले 10 बंदे एक काम करते थे, बाद में मशीन परचेज कर लिया वही काम करने के लिए. नाउ यू हैव मशीन टू डू द सेम वर्क, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज ड्यू टू लेबर इमोबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक रीजन में जॉब ज्यादा है बट पीपल आर नॉट विलिंग टू कम्यूट टू दैट रीजन, इसे कहते हैं रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. फिर एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर में पाई जाती है, लाइक ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर सारी इंप्लॉयड होती है, और जैसे ही फिर हार्वेस्टिंग का सीजन जाता है, क्रॉप्स की सीजन जाता है, तो वो फिर आपकी, तो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. लो सीजन पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, हाई सीजन पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है. एक होती है साइक्लिकल. मैंने इन टाइप्स पे इतना ज्यादा गौर फोकस नहीं किया बिकॉज आई बिलीव एंड प्रिज्यूम कि आपने ये चीजें ऑलरेडी काफी थॉरली पढ़ी हुई हैं, सो आई हैव नॉट स्पेंट मच टाइम ऑन दीज चीजें. ठीक है, साइक्लिकल कहते हैं एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो पूरी इंडस्ट्री के साइकिल के साथ चलती है. जब पूरी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो आपकी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट, जब पूरी इकोनॉमी आपकी ग्रोथ में जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई करने की कोशिश करती है. क्योंकि जब आपकी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होने होगी तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो जाएगी. ठीक है, डन. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आपकी पूरी इकोनॉमी रिसेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द होल इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन योर अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द रिसेशन ऑफ द इकोनॉमी. पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं वैसे, बट स्टिल चांसेस आर देयर कि इसमें से कोई ना कोई सवाल अपेयर हो जाए एग्जामिनेशन में. इसके बाद इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का टॉपिक है, प्रोटेक्शनिज्म है, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ पेमेंट्स है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, एक्सचेंज रेट्स हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स. सो दैट विल कंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. होपफुली एक दो दिन में हम मैक्रो इकोनॉमी को डिस्कस करके माइक्रो पे जंप करेंगे. ठीक है, इन द मीन टाइम दैट वुड बी यार ये नेक्स्ट वीक में प्लान करते हैं इसको. ठीक है, बस नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्लान करते हैं. मैं डे अनाउंस कर दूंगा फिर भी आपको, आई विल अनाउंस द डे. बाकी फिर वो मैं आपसे अपना क्या नाम है आपका, हमजा से कहूंगा, फिर रब्ता कर लेगा. ठीक है, चलिए ठीक है फिर, सी यू इंशाल्लाह. व्हाट्सएप पे बता दूंगा. ठीक है, व्हाट्सएप पे बता दूंगा यार. चलो ठीक है फिर, लेट्स लेट्स कंटिन्यू टुमारो. ठीक है नवीद, मैं पता करता हूँ यार, आई विल चेक अबाउट इट, मैं इसको देखता हूँ, डोंट वरी. आई विल सी कि क्यों नहीं अभी तक आपको वो मिला, मैं देख लेता हूँ. ठीक है, आई विल अनाउंस ऑन व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा. चलें, सी यू अराउंड देन. कौन से टॉपिक्स? जिन जिन का ये टेस्ट वाला अपना इशू आ रहा है वो मैं कर दूंगा यार. मुझे वो क्या नाम है, हमजा से बात जरा करने दो एक दफा, लेट मी सी कि उसमें क्या क्या इश्यूज थे, फिर मैं देखता हूँ. बाय टुडे इवनिंग आई विल बी कम्युनिकेटिंग इट ऑन व्हाट्सएप, जस्ट वेट फॉर टुडे इवनिंग. ओके, चल सी यू अराउंड, मिलते हैं इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.